दोस्तों नमस्कार। आईसीआर फिफ्थ डीन कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से बीएससी एग्रीकल्चर के करिकुलम में एक कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। इससे रिलेटेड वीडियोस, दो वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक के बारे में। और थर्ड टॉपिक जो आता है वो पर्टेन करता है कार्बोहाइड्रेट्स से संबंधित, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जो मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, ऑलिगोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्लासिफिकेशंस हैं। तो इससे संबंधित जो कंटेंट है वो थर्ड टॉपिक में आता है। और वैसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो दो तीन चार लेक्चर्स में हो सकता है स्प्लिट किया गया होगा। मैं भी इसको पूरा कंटेन नहीं कर पाऊंगा शायद एक वीडियो में, अदरवाइज वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज फिर शुरू करते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स इन द कोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो मेरा नाम है एसके शर्मा, और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स की, जो प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के कोर्स में एक कंपलसरी कोर्स जो पूरे कंट्री में बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड किया जाता है, उससे संबंधित जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज शुरू करते हैं इस कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक को, और कोशिश करेंगे कि इसको लगभग आधा तो एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, और बाकी का रिमेनिंग इसके सेकंड वीडियो, एक इसी सीरीज का सेकंड सेशन कार्बोहाइड्रेट पे और बनाऊंगा जिसमें कि पूरा हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में फोकस करेंगे मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स के बारे में, क्या मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, और क्या क्लासिफिकेशंस हैं डाइसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स की, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किन किन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे फूड्स के साथ, उसका क्या रिलेवेंस बनता है। इसके अलावा जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उसकी डेफिनेशन है, उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो भी पढ़ने की इसमें कोशिश करेंगे एज पर द गिवन सिलेबस ऑफ आईसीआर। तो कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है और किस चीज को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। बड़ी सरल, साधारण, छोटी सी डेफिनेशन है कि भाई पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अवेलेबल हों, अटैच हों, ये एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं, या फिर उनके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। नीचे दिए गए स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं तो दो प्रकार के कॉमन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ड्रॉ किए गए हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज जो है ये बेसिकली, इनको हम एल्डो हेक्सोसिस भी बोलते हैं, हेक्सोस इसलिए क्योंकि 6 कार्बन होते हैं, और एल्डो मीन्स क्योंकि एल्डिहाइड है, सीएचओ ग्रुप सबसे ऊपर आप देखेंगे सीएचओ ग्रुप इसमें है, तो इसलिए ये एल्डो हेक्सोस है। जबकि जो फ्रक्टोज है उसमें सीएचओ ग्रुप नहीं है, सी डबल बॉन्ड ओ है, यानी कि जो किटोज ग्रुप होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में कभी, 11th 12th में कभी, साइंस के स्टूडेंट सारे पढ़ते हैं कि किटोन ग्रुप क्या है, तो बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ इज द किटोन ग्रुप। तो ये किटो हेक्सोसिस बोलते हैं, हेक्सोस इसलिए क्योंकि 6 कार्बन है और किटोन ग्रुप इसमें है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसमें अटैच हैं, या फिर इनके स्ट्रक्चर से कोई जो डेरिवेटिव्स बनते हैं उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट में बोलते हैं। तो कुल मिला के तीन चीजें जरूरी हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड या कीटोन, तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में आता है। अब अगर मीनिंग के हिसाब से देखें, कार्बोहाइड्रेट यानी कि द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। और हाइड्रेट कैसे बनता है, जब किसी भी चीज में H2O ऐड हो जाता है इट बिकम्स हाइड्रेट। एक जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो लिखा है CX और फिर H2O, Y नंबर ऑफ H2O आर अटैच टू द X नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर हम एक कॉमन जो एक केमिकल कंपाउंड यूज होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो कॉपर सल्फेट CuSO4, पेंटाहाइड्रेट 5H2O, तो ये भी हाइड्रेट है, कॉपर सल्फेस सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ठीक इसी प्रकार से जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कि वो कार्बन जिसके साथ H2O जुड़ जाता है, तो जनरल फॉर्मूला में अगर आप देखें CX H2O Y, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसी जनरल फॉर्मूला को ग्लूकोज के लिए जरा जनरलाइज करके देखते हैं। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है सभी लोग जानते होंगे, C6H12O6। सो C6H12O6 को स्प्लिट करके अगर लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं C6 और फिर H2O, 6 नंबर्स ऑफ H2O, यानी कि 6 हाइड्रेट्स ऑफ द 6 कार्बन। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं द कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज को अगर हम लोग देखते हैं, बेसिकली C12H22O11, तो C12 एंड H2O11।
नॉर्मली जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट में। तो ये कॉमन सा एक इसको समझने का तरीका है। तो जनरल फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो केमिकल फॉर्मूला भी आप वर्कआउट कर पाएंगे इजीली। तो कुछ और देखने की कोशिश करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स। सैकेराइड्स इज द वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड सैकरॉन। सैकरॉन का मतलब होता है शुगर्स। और बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने पहले से पढ़ा होगा कि किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए। सो दिस इज द नॉर्मल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होती है और जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी सनलाइट की एनर्जी है जो फाइनली फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो दैट इज बेसिकली स्टोर्ड इन द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज एक बेसिक हम लोग रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, क्योंकि यूजेबल फॉर्म यही है। तो ठीक उसी प्रकार से जब एनिमल सिस्टम में जाते हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं, इस रिजर्व फूड को यूज करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर दोबारा रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी जब हम लोग फूड खाते हैं तो डाइजेशन के प्रोसेस के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, सो एनर्जी इज रिलीज। और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक कैलोरीफिक वैल्यू भी है। मैंने पिछले टॉपिक में जब हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे और एनर्जी वैल्यूज पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स दे रिप्रेजेंट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो यही एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म होके आई और यही एनर्जी है फिर हमको रिवर्ट बैक होके मिलती है और इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। और फ्रक्टोज जो है दीज आर कॉल्ड एज द फ्रूट शुगर, क्योंकि लार्जली फ्रूट से डिराइव होते हैं। जाइलोज इज कॉल्ड एज द वुड शुगर, क्योंकि जाइलम से आप जाइलम फ्लोएम वेसल्स होती हैं, तो वेसल्स वुड में वेसल्स होती हैं तो इसलिए दे आर कॉल्ड एज द वुड शुगर। सिमिलरली लैक्टोज इज डिराइव फ्रॉम द मिल्क शुगर, तो मिल्क शुगर कहते हैं लैक्टोज को। और सेल मेम्ब्रेन्स में स्ट्रक्चरल देता है तो सेलुलोज, तो इसलिए सेलुलोज इज डिराइव फ्रॉम इज फॉर्म्ड इन द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सो दिस इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन शुगर। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह में प्रेजेंट होने की वजह से अलग अलग नोमेनक्लेचर भी दिया गया है। बात करते हैं फंक्शंस की कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस में याद रखने के लिए मेनली 4 पॉइंट्स हम लोग याद कर सकते हैं कि एक तो भैया एनर्जी प्रोवाइड करता है, हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, दे दे प्रोवाइड अस एनर्जी। ये हमने डाइजेशन के प्रोसेस में डिस्कस भी किया है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से हमको एनर्जी मिलती है। तो ये पहला फंक्शन इसका है। दूसरा क्या है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्लांट और एनिमल सिस्टम्स में ये कार्बोहाइड्रेट फूड को स्टोर करते हैं। सो द स्टोरेज फंक्शन इज परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, सो विच आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स फॉर प्लांट्स एंड द एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। फिर क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सेलुलोसिक स्ट्रक्चर है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो रिजिडिटी देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट पार्ट को। सो इट गिव्स द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है वो। और लुब्रिकेंट्स का काम करता है जॉइंट्स में। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो विच एड इन लुब्रिकेशन इन द डिफरेंट जॉइंट्स जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो वो हमको दे एक्चुअली स्टिक विद ईच अदर एंड रिमेन इन देयर प्लेस, तो वो अपनी जगह रहता है और लुब्रिकेशन का बेसिकली फंक्शन प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, द मोनोसेकेराइड्स, द डाइसेकेराइड्स, द ऑलिगोसेकेराइड्स एंड द पॉलीसेकेराइड। नाम से जैसे पता लग रहा है मोनो मीन्स वन शुगर यूनिट, वन सेकेराइड यूनिट विल बी देयर, दैट इज मोनोसेकेराइड। दो सेकेराइड यूनिट है तो डाइसेकेराइड। 3 से 10 तक कॉमनली या एक्सेप्शनली 20 तक भी अगर कभी हो तो उसको हम लोग ऑलिसेकेराइड्स में गिनते हैं। वैसे कॉमनली 3 to 10 ही होता है। सो दीज आर द फ्यू शुगर यूनिट्स अगर उसमें है तो दे आर कॉल्ड एज द ऑलिगोसेकेराइड्स। और फिर अगर मेनी शुगर यूनिट्स हैं तो 20 से ज्यादा अगर मोनोमेरिक यूनिट्स हैं सो दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीसेकेराइड्स। इन स्ट्रक्चर्स को आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में और उनके एग्जाम्पल्स आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि नेम टू ऑलिगोसेकेराइड्स या ऑलिगोसेकेराइड रेफिनोज किस टाइप का ऑलिगोसेकेराइड है, किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो आप लोग याद रखने की कोशिश करें ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज राइबोज ग्लिसराइड्राइड, ऑल ऑफ देम दे आर द मोनोसेकेराइड्स। सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज 3 ही एग्जाम्पल हैं और इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। यही 3 एग्जाम्पल आप याद रखिए, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज इन केस ऑफ डाइसेकेराइड्स एंड रेफिनोज टकियोज इन केस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स और स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज ये पॉलीसेकेराइड्स। सो डेफिनेटली इसमें से भी कभी कभी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बन जाता है। सिंपल सी क्लासिफिकेशन आप याद रख सकते हैं। मोनोसेकेराइड्स बेसिकली द शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग शॉर्ट चेन ऑफ कार्बन। शॉर्ट चेन जनरली
तीन चार पांच छः सात कार्बन तक, मैक्सिमम सिक्स कार्बन तक, फाइव और सिक्स कार्बन जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर वेरी वेरी कॉमन ऑल अराउंड अस, और हम सबने देखे पड़े होंगे। तो शॉर्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और कार्बन का चेन शॉर्ट है, और उसके बाद वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी भी होगा जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो ये सारी की सारी चीजें अगर उसमें हैं तो दे आर कॉल्ड एज द मोनोसेक्राइड्स। सो मोनोसेक्राइड्स बोलेंगे शॉर्ट चेन ऑफ कार्बन एंड कार्बन एटम्स विद द एल्डिहाइड और द कीटोनिक ग्रुप एंड डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच टू इट इन द रिमेनिंग कार्बन। तो बाकी के जो कार्बन है उसमें अलग अलग संख्या में द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दे विल बी अटैच्ड। तो ये तीनों इसके करेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो हमने अभी भी देखा था, अगर एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं तो दे आर कॉल्ड एज द एल्डोज, एंड अगर कीटोन ग्रुप है तो दे आर कॉल्ड एज द कीटोज। सो कीटोज शुगर्स एंड द एल्डोज शुगर्स। तो अब मोनोसेक्राइड्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको जरा समझते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से हम लोग किस हिसाब से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ट्रायोज जैसा नाम बताता है, सो थ्री कार्बन मोनोसेक्राइड, टेट्रोज फोर कार्बन, पेंटोज फाइव कार्बन, हेक्सोज सिक्स कार्बन, हेप्टोज सेवन कार्बन, ऑक्टोज एट कार्बन एंड नोनोज नाइन कार्बन कंपाउंड्स। तो इस टाइप से ये मोनोसेक्राइड्स क्लासिफाई होते हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज, नोनोज। सो अगर इसको और आगे डिटेल में देखें तो ट्रायोज के सिर्फ तीन ही पॉसिबल ट्रायोज हैं, ये याद रखना आपने कि ट्रायोज सिर्फ तीन ही पॉसिबल होते हैं, और उसमें एक कीटोन होता है और दो एल्डिहाइड्स होते हैं। उन तीन में से एक कीटोज और दो एल्डिहाइड, तो जो कीटोन है उसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये एक इसलिए होता है क्योंकि इसका जो आइसोमर है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं कीटो ट्राइओस, क्योंकि एक ही कीटोन है, कीटो ट्राइओस। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, सी एच टू ओ एच, बीच में कीटोन ग्रुप और नीचे भी सी एच टू ओ एच, तो इसका कोई भी इनाइसोमर नहीं पॉसिबल है, कोई भी आइसोमरिक फॉर्म पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये एक ही होता है। लेकिन जो ग्लिसराइल्डिहाइड है वो दो फॉर्म में आ सकता है, द एल ग्लिसराइल्डिहाइड एंड द डी ग्लिसराइल्डिहाइड। तो ये एल्डो ट्राइओसिस में आते हैं। तो कुल मिला के तीन ट्रायोस, एक कीटो ट्रायोस और दो एल्डो ट्रायोस, और इनके एग्जाम्पल्स ग्लिसराइडिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इनको आप याद रखिए। चलते हैं टेट्रोज में, टेट्रोज द रिथ्रोज, थ्रियोज, रिथ्रुलोज, ये अलग अलग प्रकार के टेट्रोसिस के एग्जाम्पल हैं, जो फोर कार्बन चेन्स हैं, और ये भी एल्डोज भी हो सकते हैं और कीटोज भी हो सकते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड। पेंटोजिस में आते हैं तो जाइलोज, अरेबिनोज, राइबोज शुगर्स, दीज आर वेरी वेरी कॉमन, और पांच कार्बन है एल्डिहाइड और कीटोन के हिसाब से इसको भी क्लासिफाई करते हैं। फिर जो सबसे कॉमन क्लास है जिसमें कॉमन शुगर्स हम लोग देखते हैं, सो दे आर दीज आर द हेक्सोसिस, हेक्सोस शुगर, सो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, ये सारे के सारे इस क्लास में आते हैं, और इनके स्ट्रक्चर्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, इस कोर्स में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस कैसे कैसे हैं। फिर हेप्टोसिस में बेसिकली द सिडो हेप्टुलोज, और ये एक केल्विन साइकिल या जो लिपिड ए बायोसिंथेसिस होती है उसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह आता है। देन मैनो हेप्टुलोज, ये एवोकेडो में पाया जाता है, और देन ग्लिसरो डी मैनो हेप्टुलोज, ये भी एक एल्डोज है जो लिपिड बायोसिंथेसिस में पाया जाता है। हेप्टोसिस बड़े कम हम लोग जानते हैं और इसका एप्लीकेशन भी कम ही आता है, फूड के केस में जनरली द हेक्सोस शुगर्स दे आर लार्जली यूज। देन कम्स द ऑक्टोजिस, सो मिथाइल थायो लिंकोसामाइड, ये बेसिकली शुगर माइटी है जिसकी एंटीमाइक्रोबियल करेक्टरिस्टिक्स इसमें होते हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव जो इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे तो इसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है इन सब हेप्टोज, ऑक्टोज, नॉनोज को लेके, फिर भी लेकिन थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, एक दो एग्जाम्पल याद रखने की कोशिश करेंगे तो कभी कोई क्लिक कर सकता है। तो अब थोड़ा स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देख के थोड़ा भाग खड़े होते हैं, तो भाग खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, और फिर प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इस कोर्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी 20% अगर पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स में है तो स्ट्रक्चर्स में आ सकता है। हाँ, स्ट्रक्चर अगर आपको आता होगा तो डेफिनेटली आप दूसरे क्वेश्चन भी कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही बाकी क्वेश्चन भी डिराइव होते हैं, तो दे आर लिंक्ड, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करेंगे तो एक कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो बेसिकली ये क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं बनता है तो इसलिए ये हमारे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में नहीं आया। फिर दो कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होता है वो एसिटाल्डिहाइड होता है, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं बन पाता है इसका स्ट्रक्चर, तो ये भी उसकी डेफिनेशन में नहीं आता है। लेकिन इसके बाद जो आता है वो है ग्लिसराल्डिहाइड। सो ग्लिसराल्डिहाइड बेसिकली तीन कार्बन वाला है, सी एच ओ जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से हम लोग कार्बन की काउंटिंग शुरू करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, देन एच ओ एच पे दूसरा कार्बन है, एंड देन सी एच टू ओ एच पे तीसरा कार्बन है, वन टू थ्री, सो दिस इज थ्री कार्बन कंपाउंड, और ग्लिसराल्डिहाइड इसका नाम है।
जैसा आप देख सकते हैं बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप ऑन द टॉप एंड देन थ्री कार्बन कंपाउंड, सो दैट इज हाउ इट गोज। अब स्ट्रक्चर को कैसे आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा सिक्वेंशियली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा अगर फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। हमको हर लेवल में एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल अटैच करना है, यानी कि सी ओ एच एच सी एच ओ एच ये ऐड करना है हर स्टेप पे, तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, कार्बन चेन लंबी होती जाएगी, और फिर उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर, ऊपर के स्टेप का स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्टेप पे लाना है और सी एच ओ एच ऐड कर देना है, बस इतना ही काम करना है, और उसके बाद उसका नॉमनक्लेचर याद रखने की कोशिश करेंगे, उसका तरीका बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप पे जैसे था ग्लिसरल्डिहाइड, तो तीन कार्बन था, और अब हम इसका जो बॉक्स वाला स्ट्रक्चर है, येलो बॉक्स वाला स्ट्रक्चर जो है, अगर हम उसको उठा के नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर एक सी एच ओ एच लगा देते हैं, एक ऐड कर देते हैं सी एच ओ एच। अब अगर हम राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखते हैं तो इट विल मेक इट एरिथ्रोस, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रखते हैं सो इट विल मेक इट थ्रियोस, बस इतना ही डिफरेंस। दोनों में सी एच ओ एच ही हमने ऐड किया, और क्योंकि एक एक कार्बन करके बढ़ाते जाना है, और एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा साथ में, तो स्ट्रक्चर आगे बढ़ जाएगा। तो इर्थ्रोज और थ्रियोज, ग्लिसरल्डिहाइड में अगर हम एक सी एच ओ एच ऐड करते हैं तो या तो हमको इर्थ्रोज मिल जाता है या थ्रियोज मिल जाता है, अगर राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इर्थ्रोज मिलेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने रखा है तो थ्रियोज मिलेगा ग्लिसरल्डिहाइड के बेसिक स्ट्रक्चर में। तो अब एक स्टेप अगर और आगे चलेंगे तो इसमें हमको फिर दोबारा से वैसे ही मिलता है, हम लोग फिर दोबारा से उसमें सी एच ओ एच ऐड करते हैं। तो इथ्रोज और थ्रियोज का जो स्ट्रक्चर है, अब हमने उसमें से कॉमन ले लिया, तीन कार्बन नीचे से कॉमन ले लिए, अगर चार कार्बन है तो हमने तीन कॉर्बन कॉमन को कार्बन कॉमन ले लेने हैं और उसको नीचे स्ट्रक्चर में रख देना है, और फिर एक सी एच ओ एच उसमें ऐड कर देना। तो यहाँ पे भी अगर हम रिथ्रोज के स्ट्रक्चर में सी एच ओ एच ऐड करते हैं तो हमको मिलता है राइबोज और रेबिनोज, इसमें फिर दोबारा से हमने वैसे ही ऐड किया, अगर राइट हैंड साइड में किया तो राइबोज, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये क्या बनेगा अरेबिनोज। अगर हम थ्रियोज के स्ट्रक्चर में अटैच करते हैं सी एच ओ एच तो अगर एक ऐड किया तो ये हमको मिलता है जाइलोज और लिक्सोज, जाइलोज और लिक्सोज शुगर मिलेंगे अगर हम एक सी एच ओ एच ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो इट विल गिव यू द जाइलोज, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इफ इट इज देयर सो इट विल गिव यू द लिक्सोज। तो इस टाइप से एक एक कार्बन ऐड होता जाएगा और आपका स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा। तो अब इसको सिक्स कार्बन बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। इसमें फिर दोबारा से हम लोग क्या करेंगे कि नीचे का जो ब्लॉक है उसको कॉपी कर देंगे नीचे वाली लाइन में, और फिर दोबारा एक सी एच ओ एच ऐड करते जाएंगे, और इस टाइप से ये पांच कार्बन से छह कार्बन के कंपाउंड में हम लोग आ जाते हैं, जो राइबोज अरेबिनोज जाइलोज और लिक्सोज ये कन्वर्ट हो जाते हैं एलोज एल्ट्रोज ग्लूकोज मैनोज गुलोज आइडोज गैलेक्टोज एंड टैलोज में। और जैसे मैंने बताया, अगर राइट हैंड साइड में आप हाइड्रोक्सिल रखते हैं तो एलोज मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो एल्ट्रोज मिलेगा, सिमिलरली राइट हैंड साइड में अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रखा तो ग्लूकोज मिलेगा अरेबिनोज में, और लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो मैनोज मिलेगा। जाइलोज में अगर रखते हैं तो वी गेट गुलोज एंड आइडोज, और अगर लिक्सोज शुगर में रखते हैं वी गेट गैलेक्टोज एंड टैलोज। तो कुल मिला के ये पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है और सिक्स कार्बन कंपाउंड तक हम लोग इस टाइप से क्लासिफाई करते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो एग्जाम में ये तो आने की संभावना नहीं है, लेकिन इसमें से किसी एक का रैंडमली वो पूछ सकते हैं, तो उसको याद रखने का क्या स्ट्रक्चर है या हम लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा, आप लोगों ने भी बचपन में कुछ कोडिंग कोडिंग करी होगी याद रखने के लिए, जब इस प्रकार के नॉमनक्लेचर आते थे, तो एक कोड मैं आपको सिखाता हूँ, अगर हमको इसको याद रखना है तो वी कैन से दैट गेट आर ए एक्स एल ए ए जी एम जी आई जी टी। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है ये देखेंगे, तो गेट मीन्स सो जी ग्लिसरल्डिहाइड, ई इथ्रोज थ्रियोज, देन राइबोज, आर फॉर राइबोज, ए फॉर अरेबिनोज, एक्स फॉर जाइलोज एंड एल फॉर लिक्सोज। तो इस टाइप से ये आया, और उसके बाद ए ए जी एम जी आई जी टी, तो एलोज एल्ट्रोज ग्लूकोज मैनोज, देन गुलोज आइडोज गैलेक्टोज एंड टेलोज। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। अब याद रखने का क्या तरीका, एक सिंपल सा तरीका मैंने बनाने की कोशिश करी, आपको पसंद है आप याद रख सकते हैं या कोई अपना भी आप अपने से बना सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि भाई दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये इंसान समझ ही नहीं रहा है, और उसको एक एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो डांटता है और वो बताता है कि भाई इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, तो इस कहानी को अगर मैं छोटे से सेंटेंस की फॉर्म में लिखता हूँ तो वो ये बोल सकता है कि गेट दिस रास्कल ह्यूमन बींग टू मी, सेट द एग्रीकल्चरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर, दैट विद करेंट पॉपुलेशन ग्रोथ वी वुड नीड गीगा टन्स ऑफ फूड। गीगा टन्स, मिलियन टन्स नहीं, अब गीगा टन्स ऑफ फूड। तो इसको अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो इसमें गेट आ गया, दिस रास्कल आर ए एक्स एल, इसको रास्कल पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा,
ह्यूमन बींग टू मी और एग्री असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ऐसा एक कोड हम याद रख सकते हैं, एंड दैट विद द करंट पॉपुलेशन ग्रोथ वी वुड नीड गीगा टन्स। तो कुल मिला के गेट रास्कल AAGM और गीगा टन्स अगर याद रहेगा, इससे थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं और फिर इसको एन्यूमरेट कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आपने बना दिए तो डेफिनेटली आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे दो मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन। तो भाई हमने देखा कि एल्डोज शुगर का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कीटोन शुगर का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो कीटोन में क्लासिफिकेशन थोड़ा छोटा है क्योंकि जो 3 कार्बन जैसे ग्लिसराइड वहां बन गया था, तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 कार्बन जो बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो ट्रायोजेस की बात करी थी, तो 3 ही प्रकार के ट्रायोज होते हैं। तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल रहता है तो इसके आइसोमर्स बनना, इसके एनेंशियोमर्स बनना पॉसिबल नहीं होता है। 4 कार्बन पे आके कीटो शुगर का डिवीजन स्टार्ट होगा 4 कार्बन के बाद। तो रिथ्रोज डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन के बाद हमने CHOH ऐड किया तो हमको मिल गया रिथ्रुलोज। रिथ्रुलोज को फिर दोबारा अगर हम CHOH ऐड करते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पहले किया था, तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा रिबुलोज, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा जाइलुलोज। तो रिबुलोज और जाइलुलोज मिले हमको ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद इसको 6 कार्बन बनाने के लिए फिर दोबारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे, CHOH ऐड करते जाएंगे हर लेवल पे। तो हमको मिलता है साइकोज जो एक 6 कार्बन शुगर है, फ्रक्टोज ये मिलते हैं हमको रिबुलोज से, और जेलुलोज से मिलते हैं सॉर्बोज और टैगाटोज। तो इस प्रकार से इसकी क्लासिफिकेशन पूरी होती है। और इसको भी याद रखने का छोटा सा एक तरीका मैंने बनाया है, आपको पसंद आया आप यूज कर सकते हैं। सो इट इज DERXPFST। तो डी डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन, ई रिथ्रुलोज, रिबुलोज, जाइलुलोज, देन साइकोज, फ्रक्टोज, सॉर्बोज एंड टैगाटोज, इस टाइप से ये है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैं बोलूंगा कि डर को क्रॉस करो, डर को क्रॉस करो मेरा प्यारा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसा कुछ तुक्का आप भी बना सकते हैं अगर याद रखने का तरीका हो, इसके अलावा कुछ और भी तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे तो नाम भी धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद लर्न होने लग जाएंगे। तो बेसिकली साइकोज, फ्रक्टोज, सॉर्बोज और टेगाटोज जो है ये 6 कार्बन कीटो शुगर्स में आते हैं। सो दिस इज हाउ द मोनोसेक्राइड्स दे आर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द एल्डोजेस एंड द कीटोसिस। तो अब जो हमारा सिलेबस है ICAR का, उसके हिसाब से कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स उसमें डिफाइंड है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये है बेसिकली द डी ग्लूकोज जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक आता है स्टार्च के लिए, सेलुलोज के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, दिस बिकम्स ए बिल्डिंग ब्लॉक। सिमिलरली फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो फ्रूट शुगर्स हैं, हनी है, तो इसमें भी फ्रक्टोज शुगर रहते हैं। और फ्रक्टोज को जब हम ग्लूकोज के साथ मिला देते हैं इट बिकम सुक्रोज, और केन शुगर हमको मिल जाता है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि केन शुगर इसमें अवेलेबल है। सिमिलरली गैलेक्टोज मिलता है। सो गैलेक्टोज नॉर्मली फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये मिलकर लैक्टोज शुगर बनाते हैं, तो ये मिल्क शुगर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अरेबिनोज और जाइलोज हैं, ये बेसिकली पेंटोसिस हैं और प्लांट के गम्स में मिलते हैं, जो प्लांट का गोंद होता है जनरली, ये भी एक सॉल्युबल फाइबर की तरह इसको यूज करते हैं और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स इसमें आते हैं। तो इस टाइप से जो इम्पोर्टेंट जो मोनोसेक्राइड्स दिए गए हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, ये 4 मोनोसेक्राइड्स हैं इंपॉर्टेंट। तो अब चर्चा करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स की क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखो इसमें हमको ध्यान रखना है कि 3 प्रॉपर्टीज है मेनली, 3 याद रखनी है आपको। एक तो ये कि ये मोनोसेक्राइड्स में, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स में हम लोग दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स, इनको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं क्योंकि ये कॉपर को और आयरन को रिड्यूस कर देते हैं, और यही एक बेसिस है जिसके बेसिस पे हम लोग जो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस करते हैं लेन एंड आयनोन मेथड से टाइट्रेशन करते हैं। तो टाइट्रेशन का बेसिक बेसिकली यही है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है और कॉपर को और आयरन को ये रिड्यूस कर देते हैं। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर मोनोसेक्राइड्स को ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सीजन वो एक ऑक्सीजन टेकअप कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू एसिड्स। तो ग्लूकोज व्हेन टेक्स द ऑक्सीजन सो इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोनिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन की वजह से ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोनिक एसिड जो है एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, मैंने ग्रीन सर्कल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में एक ही
जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बाकी का सारा स्ट्रक्चर ग्लूकोज के जैसा है, CH2OH और उसके बाद चार कार्बन CHOH की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सबसे ऊपर जो है दैट इज द एल्डिहाइड, और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा सो दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ठीक उसी प्रकार से अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है तो उसको बोलते हैं ग्लूकारिक एसिड। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसमें दो ऑक्सीजन वो टेकअप कर लेगा और जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। सो इसमें अगर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, सो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, CH, COH ऑन बोथ साइड्स, और बीच में चार कार्बन जो बच गए हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के वो है। तो इस प्रकार से हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन की वजह से द शुगर्स दे आर कन्वर्टेड इनटू द शुगर एसिड्स। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोनिक एसिड, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू शुगर एसिड। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो भाई जब ऑक्सीडेशन हुआ तो बना शुगर एसिड, लेकिन अगर रिडक्शन होगा तो क्या होगा? जब रिडक्शन होगा तो फिर क्या होता है? तो जब रिडक्शन होता है तो बनता है शुगर एल्कोहल। ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा? शुगर एसिड, और अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? शुगर एल्कोहल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द सॉर्बिटॉल। तो ये क्या है? बेसिकली द शुगर एल्कोहल। सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एज इट इज, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर चार कार्बन और लास्ट में CH2OH। तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉर्बिटॉल में, और सॉर्बिटॉल में जब कन्वर्ट होता है तो दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं एंड इट मेक्स इट CHO की जगह ये बन जाता है CH2OH, और नाउ इट बिकम्स एन एल्कोहल। सो दिस इज द शुगर एल्कोहल सॉर्बिटॉल। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं कि पहला तो वो रिड्यूस करते हैं आयरन को और कॉपर को, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उनकी रहती है। दूसरा ऑक्सीडेशन कन्वर्ट ऑक्सीडेशन होने पे वो जो शुगर एसिड्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और रिडक्शन होने पे वो शुगर एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स की ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप सिंपल वे में याद रख सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन भी इसके बड़े सिंपल है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं कि डेरिवेटिव्स पे, कि मोनोसेकेराइड्स जैसे हैं अगर उसमें हम कोई एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज कर देते हैं तो फिर क्या बन जाता है? शुगर मॉलिक्यूल्स इन विच वन और मोर ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर रिप्लेस्ड। ये ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे कंपाउंड से, फॉर एग्जाम्पल अगर अमीनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो इसको बोलते हैं ग्लूकोसामीन। ग्लूकोस प्लस अमीन मेक्स ग्लूकोसामीन। अगर आप इमेजेस में देखेंगे तो इमेजेस में आपको मिलेगा ग्लूकोसामीन सल्फेट। ये किसी कंपनी का है, मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बोन्स की इंजरीज होती हैं, तो टांगों के पेन्स होते हैं, ज्वाइंट के पेन्स होते हैं, उसमें कभी कभी ग्लूकोसामीन रिकमेंड किए जाते हैं कि भाई आप इसका सप्लीमेंटेड फॉर्म में ले लीजिए ग्लूकोसामीन। दे आर वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द ज्वाइंट्स एंड हेल्थ ऑफ द बोन्स। तो ये सप्लीमेंट के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, और बहुत सारे लोग इनको यूज भी करते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर राइट हैंड साइड में कॉर्नर में अगर आप देखते हैं तो काइटिन का स्ट्रक्चर है, ये भी एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। एसिटाइल ग्लूकोसामीन की जब चेन है सो इट मेक्स ए स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन। काइटिन और अगर आप इंसेक्ट्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, सो इट मेक्स द हार्ड शेल अराउंड देम, सो दैट इज हाउ काइटिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल तो ये फूड्स में भी यूज हो रहा है फाइबर्स के फॉर्म में, और हेल्थ प्रमोटिंग इसको देखा जा रहा है, तो इसका भी उपयोग हो रहा है काइटिन का भी। तो कुल मिला के मोनोसेकेराइड डेरिवेटिव में एक हाइड्रोसिल को अगर हम लोग अमीनो ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो ये बना देता है आपका ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन के अलावा और क्या डेरिवेटिव बन सकते हैं? कि डीऑक्सी शुगर्स बन सकते हैं। अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है, एक हाइड्रोजन एटम से वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, तो वो क्या बनाता है? डी ऑक्सी शुगर, मीन वो शुगर जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल दी गई हो। हाइड्रोक्सिल में से अगर ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाएगी तो हाइड्रोजन एटम मिल जाता है, हाइड्रोजन एटम बच जाता है। तो एल रेमनोज या फ्यूकोज ये पॉलीसेकेराइड्स के पार्ट होते हैं, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, या 2-डीऑक्सी डी राइबोज, ये डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इस प्रकार के डी ऑक्सी शुगर हमको मिल जाते हैं जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। वो शुगर जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई दे आर द डी ऑक्सी शुगर। वो शुगर जिसमें हाइड्रोक्सिल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप, वो क्या बोलते हैं? ग्लूकोसामीन। पहले स्टेप में हमने पढ़ा, और दूसरा है डी ऑक्सी शुगर्स की वो हाइड्रोक्सिल जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे हाइड्रोजन बच जाएगा, सो दे आर कॉल्ड एज द डी ऑक्सी शुगर्स। अब आता है कि भाई ग्लाइकोसाइड्स फिर क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली एक शुगर अगर दूसरे किसी मॉलिक्यूल्स के साथ अगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बेसिकली ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है अगर वो भी शुगर ही है तो इसको बोलेंगे हम ओ ग्लाइकोसाइड। बेसिकली ऑक्सीजन से जो अटैच्ड है तो दैट इज द ओ ग्लाइकोसाइड। अगर दूसरा मॉलिक्यूल अमीनो ग्रुप है, यानी एक तो शुगर है और दूसरा क्या है? अमीनो ग्रुप है, तो दे आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स। और ठीक अगर दूसरा ग्रुप थायोल ग्रुप है तो थायो रिप्रेजेंट सल्फर, तो इट इज द सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड। तो इस प्रकार से ग्लाइकोसाइड्स की क्लासिफिकेशन है।
अब ये ग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं और कहाँ कहाँ पे कॉमनली पाए जाते हैं, इसके थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूँ कि प्लांट ग्लाइकोसाइड्स दीज आर यूज एज मेडिकेशन। प्लांट में बहुत सारे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिसको एज ए मेडिकेशन की तरह भी यूज करते हैं, कभी कभी तो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द प्रीडेटर्स, ये जो हमारे एनिमल किंगडम है या जो इंसेक्ट्स हैं बेसिकली उसमें आता है। बटरफ्लाइज एज ए डिफेंस यूज करती हैं प्रीडेटर्स से अगेंस्ट इसको जो ग्लाइकोसाइड्स। और अगर इसको और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो कभी कभी ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली दीज आर द पॉइजन्स विच आर बाउंड टू शुगर। शुगर के साथ कोई पॉइजनस कंपाउंड बाउंड होता है, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमिगडेलिन। सो प्रूनस अमिगडेलस, ये बादाम का नाम है बोटेनिकल नेम। अगर इसमें देखें तो इसमें एक कंपाउंड होता है अमिगडेलिन। अमिगडेलिन का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बनाता है बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बोला? अमिगडेलिन का हाइड्रोलिसिस क्या बनाएगा? बेंजल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, और शुगर मॉइटी उसमें से रिमूव हो जाती है। तो हाइड्रोजन साइनाइड क्या है? बेसिकली इट इज टॉक्सिक, आप जानते हो इट इज साइनाइड। तो ये जो पॉइजन बाउंड टू शुगर है ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी कभी कभी रहता है। इससे क्या होता है, इस बाइंडिंग से वो फ्लश आउट हो जाता है हमारी बॉडी में से इजीली। तो ये नेचुरल प्रोसेस इसमें बना है, लेकिन अगर उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाए तो वो रिलीज हो जाता है बॉडी में। कभी कभी इसको लोकलाइज्ड कैंसर सेल डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज किया जाता है इस टेक्नोलॉजी। तो ऑन एंड ऑन अगर मैं आपको बोलूं तो तीन प्रकार के हमको मोनोसेक्राइड डेरिवेटिव्स मिलते हैं। एक मिलते हैं ग्लूकोसामीन, और दूसरे डीऑक्सी शुगर्स, और तीसरे ग्लाइकोसाइड्स। तो भाई अब बात करेंगे कि फिर मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसा हमने देखा है और आप भी जानते हैं कि ये एल्डोहेक्सोस है, 6 कार्बन है, और एल्डिहाइड है। एल्डोहेक्सोस तभी हुआ क्योंकि क्योंकि एल्डिहाइड इसमें है और 6 कार्बन है, और ये ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि मेटाबोलाइज होके और एनर्जी प्रोडक्शन में जाता है। बाकी अगर दूसरे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, तब वो एनर्जी मेटाबोलिज्म के प्रोसेस में जाते हैं। तो दैट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लूकोज। डेक्सट्रोज या ब्लड शुगर भी इसको बोलते हैं, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, कभी कभी ब्लड शुगर भी बोल देते हैं, या किसको बोलते हैं कि शुगर की बीमारी हो रही है भाई। तो शुगर की बीमारी का मतलब यही होता है कि ब्लड शुगर उसका मेंटेन नहीं हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। सो दैट इज हाउ द शुगर इज रिलेटेड। और इट इज वन ऑफ द मोनोमर्स। सुक्रोज में ये फ्रक्टोज के साथ मिलकर सुक्रोज बनाता है, माल्टोज में ये ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, लैक्टोज में गैलेक्टोज के साथ मिलकर बनाता है, स्टार्च में द चेन ऑफ ग्लूकोज आर देयर, सेलुलोज में भी चेन है, एंड देन ग्लाइकोजन में भी चेन है। तो इस टाइप से ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं द ग्लूकोज। सो अलग अलग जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, ऑलिगोसेक्राइड्स हैं, इसके स्ट्रक्चर में भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इससे हमको ये पता लगता है। अगर मीठेपन की बात करें तो चीनी जो होती है द सुक्रोज द केन शुगर, सो दैट इज रेफर्ड टू एज द स्टैंडर्ड स्वीटनर। तो 100 उसको अगर स्केल में रखते हैं तो 75 हमको मिलता है ग्लूकोज के लिए। आपने कभी घर में ग्लूकोज खाया होगा तो वो ज्यादा मीठा नहीं होता, कभी 4-6 चम्मच भी घोल दो पानी में तो वो मीठा नहीं लगता है पानी, क्योंकि कम थोड़ा स्वीटनेस उसकी होती है एज कम्पेयर टू द सुक्रोज। और डाइजेशन इसमें जरूरत नहीं होता है, तो हमको इंटरवेनस इसलिए ग्लूकोज दिया जाता है बिकॉज इट डजंट नीड डाइजेस्ट, इट इज द रेडिली यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ द शुगर और फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। डायबिटीज में यूरिन में भी ये अवेलेबल हो सकता है, टेस्ट में पाया जा सकता है। और अगर ब्लड में देखें तो 70 to 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसके नॉर्मल क्वांटिटीज हैं। अगर 70 से कम है तो हम लोग लो लेवल है, 70 to 150 इज गुड, 150 to 240 इज हाई, और 240 से ज्यादा ऊपर चला जाता है तो अलार्मिंग बन जाता है, इट इज वेरी वेरी हाई द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अगर ग्लूकोज पे कुछ लिखने को आता है तो ये 5-6 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, मैनोज का स्ट्रक्चर, ये 4 स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए बस। तो इतना ही आपको याद करना है, एग्जामिनेशन में लगभग लगभग इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रक्टोज की, भाई फ्रक्टोज क्या है? तो फ्रक्टोज बेसिकली कीटो हेक्सोज है। ग्लूकोज क्या था? एल्डोहेक्सोस। ये क्या है? 6 कार्बन तो है लेकिन ये कीटो कीटोहेक्सोस है, इसको हम लोग लेवुलोज भी बोलते हैं, और अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि फ्रूट शुगर या हनी शुगर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में फ्रक्टोज पाया जाता है तो इसलिए फ्रूट शुगर भी इसको कहते हैं। और ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज विल गिव राइज टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। ये हम अभी बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि किस टाइप से जो डाइसेक्राइड्स हैं वो बनते हैं। तो ग्लूकोज था वो 25% जो है वो लेस स्वीट था, ये 75% ज्यादा स्वीट है। सो अगर 100 हम लोग केजी यूज कर रहे हैं फ्रक्टोज, तो इट विल गिव यू स्वीटनेस इक्विवेलेंट टू 175 केजी ऑफ सुक्रोज, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं।
कन्फेक्शनरी में यूज किया जाता है क्योंकि मीठा होता है, तो कन्फेक्शनरी में यूज किया जाता है। और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और इसको भी अगर मेटाबोलाइज होना होता है तो इसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ता है, देन ओनली इट कैन बी मेटाबोलाइज इन आवर बॉडी। तो जो तीसरा इंपॉर्टेंट शुगर है वो है बेसिकली गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज एल्डोहेक्सोस है, हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। तो इसमें भी 6 कार्बन होते हैं और ये आइसोमर ऑफ ग्लूकोज है और पेक्टिन और गम्स में पाया जाता है। पेक्टिन और गम्स में जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो इसके स्ट्रक्चर में गैलेक्टोज एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और गैलेक्टोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज शुगर बनाते हैं। गैलेक्टोज फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी थोड़ा कम स्वीट होता है स्टेबल शुगर के कंपेरिजन में, 80% स्वीट होता है, 20% स्वीटनेस इसमें कम होती है। और गैलेक्टोसेमिया एक प्रॉब्लम है जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेटाबोलाइज द गैलेक्टोज, गैलेक्टोज को हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, और इससे फिर वोमिटिंग, डायरिया, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं कभी कभी डेथ भी हो सकती है, और फिर हमको आर्टिफिशियली लैक्टोज को रिमूव करना पड़ता है। तो खैर ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम ध्यान रखें कि गैलेक्टोसेमिया कुछ प्रॉब्लम है, गैलेक्टोज से संबंधित डाइजेशन जिसमें नहीं हो पाता है, और स्ट्रक्चरली ये 6 कार्बन कंपाउंड है, एक एल्डो एल्डोस शुगर है, और पेक्टिन्स और गम्स में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल आता है गैलेक्टोज। तो भाई काफी सारी बातें हो गई द मोनोसेक्राइड्स की, और अब कुछ ब्रशअप कर लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स को हमको याद रखना है। स्ट्रक्चर्स भी कॉम्प्लिकेटेड हो गए, कुछ कुछ चीजें काफी कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको सीख पाएंगे। तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला इसका CXH2O Y, और ग्लूकोज और सुक्रोज का आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हैं। फंक्शंस हैं इसके एनर्जी स्टोरेज, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और लुब्रिकेशन, हमने डिटेल में पढ़ा। फिर कार्बन नंबर्स के हिसाब से आप नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से इसको ध्यान रखते हैं, ट्रायोज 3 कार्बन, टेट्रोज ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, टेट्रोज 4 कार्बन होता है, पेंटोज 5, आप इसको टेट्रोज को 4 कार्बन पढ़िए, पेंटोज 5, हेक्सोज 6, हेप्टोज 7, ऑक्टोज 8, और इस प्रकार से एक एक दो दो एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे। सेक्राइड्स को हम लोग मोनो, डाई, ओलिगो या पॉलीसेक्राइड्स में डिवाइड कर सकते हैं। मोनो में 1 यूनिट ऑफ सेक्राइड होता है, डाई में 2 यूनिट ऑफ सेक्राइड्स है, ओलिगो में 3 से 10 है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और अगर 20 से ज्यादा है तो पॉलीसेक्राइड्स में, इनकी भी एक एक दो दो एग्जाम्पल्स आप याद रखिए। और फिर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का जो तरीका है मैंने बताया, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में कैसे जाना है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप 3-4 इंपॉर्टेंट जो हमारे शुगर्स हैं उनके स्ट्रक्चर को याद रखिए, जिसमें कि ग्लूकोज है, जिसमें फ्रक्टोज है, जिसमें गैलेक्टोज है और मैनोज है। तो 4 तो आपको याद रखने हैं। और इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टार्च, सेलुलोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, हनी शुगर है, गैलेक्टोज फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, और ग्लूकोज के साथ मिलके लैक्टोज मिल्क शुगर में पाया जाता है, और अरेबिनोज और जाइलोज पेक्टिन्स और प्लांट गम्स के पार्ट आते हैं। तो इस प्रकार से दिस इज द वे इन विच द मोनोसेक्राइड्स दे कैन बी डिवाइडेड एंड क्लासिफाइड एंड रिमेम्बर्ड। और फिर आती है प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में हमने 3 प्रॉपर्टीज की बात करी थी, एक तो वो रिड्यूस करता है आयरन को और कॉपर को, और दूसरा बात करता है ऑक्सीडेशन की, जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, शुगर एसिड फॉर्म हो जाता है, और जब रिडक्शन होता है तो क्या बन जाता है, शुगर अल्कोहल बन जाता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा जो हमारी डेरिवेटिव फॉर्म्स थी, सो जो ग्लाइकोसामीन्स थे और डीऑक्सी शुगर्स थे, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं, इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल। तो कुल मिला के यहीं पे ही हम लोग जो कंक्लूड करते हैं मोनोसेक्राइड्स को, और मोनोसेक्राइड्स में इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं इस कोर्स में, और ये भी मैंने आपको काफी ज्यादा डिटेल में बताया, अगर आप स्ट्रक्चर्स याद नहीं भी रख पाएंगे तो भी आप जैसे मैंने बताया 3 स्ट्रक्चर्स याद रखिए, एग्जामिनेशन तक के लिए ये बड़ा जरूरी है, और इतने से आपका काम चल भी सकता है, लेकिन फिर भी कभी एग्जामिनर पूछ भी सकता है, और तो अगर आपने समझ के याद किया होगा तो डेफिनेटली यू विल बी इन ए पोजिशन टू रिटेन मोर एंड अंडरस्टैंड मोर। तो मोनोसेक्राइड्स के बाद अब चर्चा करते हैं डाइसेक्राइड्स की। तो डाइसेक्राइड्स जैसा नाम बता रहा है कि 2 सेक्राइड्स इसमें होंगे, तो 2 यूनिट्स ऑफ सेक्राइड्स विल बी देयर, और ये बेसिकली जब इसका फॉर्मेशन होता है तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी कि 2 शुगर मिलते हैं आपस में, 2 जो सेक्राइड्स हैं वो आपस में मिलते हैं और उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो बन जाता है आपका डाइसेक्राइड, इसको इसलिए डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती कैसे। जब जैसा इसमें लिखा है कि रिएक्शन अगर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और ये जो दोनों फिर जो शुगर थे वो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो हमको वाटर ऐड करना पड़ता है, और वाटर ऐड करने के बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और फिर दोबारा से वो 2 शुगर्स रिलीज हो जाते हैं। इस प्रकार के रिवर्स रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस।
तो जब डाइसेक्राइड बनता है तो डिहाइड्रेशन से बनता है, और जब डाइसेक्राइड टूटता है तो हाइड्रोलिसिस से टूटता है। डिहाइड्रेशन में जैसा नाम बता रहा है कि वाटर रिमूव होता है, और हाइड्रोलिसिस में वाटर ऐड किया जाता है, तभी वो ब्रेकडाउन होगा स्ट्रक्चर का, क्योंकि तभी वो दोबारा से रिटेन करेंगे, दोबारा से शुगर तभी बन पाएंगे जब उनको वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं सुक्रोज, केन शुगर में पाया जाता है, लैक्टोज मिल्क शुगर में पाया जाता है, और माल्टोज माल्ट शुगर में पाया जाता है, जो फर्मेंटेड बेवरेजेस में या जो हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं उसमें, या इन्फेंट बेबी फूड्स के लिए, तो वहां पे भी कभी कभी इसकी कंपोजिशन होती है। राइट हैंड साइड में नीचे आप देख सकते हैं माल्ट का एक इमेज लगाया है, उसके ऊपर सुक्रोज का है, और लेफ्ट हैंड साइड में मिल्क है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इन सब में ये इस प्रकार के डाइसेक्राइड्स पाए जाते हैं। तो चलते हैं, पहला इंपॉर्टेंट जो हमारा डाइसेक्राइड है दैट इज सुक्रोज। तो सुक्रोज जैसा कि अभी हमने चर्चा करी थी कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में जब रिएक्शन होगा तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है फाइनली उसको हम लोग बोलते हैं सुक्रोज, जो कंपाउंड फाइनली बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सुक्रोज। तो वो जो डाइसेक्राइड है वो सुक्रोज है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाई वन ग्लूकोज एंड वन फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। तो सुक्रोज बेसिकली जो शुगर केन होता है उसमें 20% शुगर होता है, 20% उसमें सुक्रोज ही होता है, समझ लीजिए बाई वेट, और जो टेबल शुगर है वो शुगर केन से ही बनता है, और सुक्रोज ही उसको कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो दो शुगर हैं, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, वो कैसे होंगे, कौन से मोनोमर होंगे, वो स्पेसिफिक मोनोमर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब जब भी कभी डाइसेक्राइड बनेंगे तो अल्फा बीटा फॉर्म्स को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, और कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अल्फा बीटा फॉर्म चेंज होगी तो वो फिर वो नहीं बन पाएगा आपका, सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म ए डाइसेक्राइड। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, तो अल्फा का बीटा का अगर आपने देखा होगा तो जो फर्स्ट कार्बन है अगर आप देखेंगे कार्बन नंबर वन, तो कार्बन नंबर वन में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा शुगर, तो बेसिकली वो बन जाता है हमारा बीटा फॉर्म, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ होगा तो वो बीटा फॉर्म बन जाता है। इस स्ट्रक्चर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज इसी फॉर्म में वो कंबाइन करेंगे, और जो बॉन्ड बनेगा वो अल्फा वन बीटा टू बॉन्ड बनता है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ग्लूकोज के जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ, और जो फ्रक्टोज का जो कार्बन नंबर टू है उसके साथ बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए इसको अल्फा वन और बीटा टू बॉन्ड कहा गया, और इनके पोजीशन के हिसाब से इसको अल्फा बीटा भी हम लोग बोल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना है कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, और क्या वो मोनोमेरिक फॉर्म्स कौन कौन से हैं, जो दो शुगर्स कंबाइन करें वो कौन कौन से हैं। आगे चलते हैं कि सुक्रोज को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये बेंडिक्ट टेस्ट में कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, और क्योंकि इसका ओपन नहीं हो पाता है, रिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट ओपन, सो इट डजंट गिव रिएक्शन ओवर देयर, सो इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो इन्वर्ट शुगर बना देता है, और इन्वर्ट शुगर जो बनता है वो जो सुक्रोज है उससे ज्यादा मीठा होता है, क्योंकि इन्वर्ट शुगर बनने पर आधा फ्रक्टोज बन जाएगा आधा ग्लूकोज बन जाएगा, तो फ्रक्टोज इज 170 टाइम्स स्वीटर, और जो ग्लूकोज है वो 25 टाइम्स लेस स्वीट है। तो जब इसका मीन निकालेंगे तो इट बिकम समवेयर अराउंड 122, तो 122% के आसपास स्वीटनेस होती है इस एज कम्पेयर टू द सुक्रोज। तो जैम्स में, कन्फेक्शनरी में, जेलीज में, इस प्रकार की इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। तो ऑन एंड ऑन अगर हम याद रखें तो तीन चीजें याद रखनी है, एक जो सुक्रोज है वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से, और दूसरा इसमें जो बॉन्ड है वो अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, सो दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द सुक्रोज लुक्स लाइक। इसका उल्टा रिएक्शन होगा अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, हीट करेंगे तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिर दोबारा मिल जाएंगे, वही हमको मिलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, दो ही हमको मॉलिक्यूल दोबारा से मिलेंगे। तो ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। ये वाला रिएक्शन जो स्क्रीन पे दिख रहा है इट इज द सिंथेसिस रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और इसके उल्टा रिएक्शन जो होगा दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो भाई अब नेक्स्ट डाइसेक्राइड को देखते हैं, ये नेक्स्ट डाइसेक्राइड है लैक्टोज। तो लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, सुक्रोज बना था ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, और लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। लेकिन इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो इसकी मोनोमेरिक फॉर्म्स हैं, जो इसमें जो हमारे सैकराइड्स यूज हो रहे हैं, वो ग्लूकोज के लिए तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज दोनों यूज हो सकते हैं, कोई भी यूज हो सकता है, अल्फा डी भी और बीटा डी ग्लूकोज, लेकिन जब गैलेक्टोज की बारी करेंगे बात करेंगे तो बीटा डी गैलेक्टोज ही यूज होगा सिर्फ, ये हमको ध्यान रखना है। इसका रीजन ये है कि अल्फा डी और बीटा डी तो कार्बन नंबर वन पे आता है, जो हमारा ग्लूकोज है उसमें कार्बन वन पे आपको पोजीशन मिलेगी, लेकिन जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्बन फोर से हो रहा है, तो इसलिए ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि ग्लूकोज अल्फा डी है या बीटा डी, क्योंकि उसका फोर्थ कार्बन पे जाके बॉन्ड बन रहा है।
तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है अल्फा डी के साथ भी और बीटा डी के साथ भी, लेकिन गैलेक्टोज है वो बीटा डी ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कार्बन वन पे जो जो हाइड्रोक्सिल है उसके साथ उसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लिंकेज वहां पे बन रहा है, तो इसलिए बीटा डी गैलेक्टोज का स्पेसिफिक होना वो बड़ा जरूरी है। और इसमें जो बॉन्ड बनता है फिर उसको हम लोग बोलते हैं बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है लैक्टोज के लिए। तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलके बनाते हैं लैक्टोज, तो दिस इज हाउ दिस डाइसैकेराइड इज फॉर्म। अगर हम लोग दूध की कंपोजिशन देखें, ह्यूमन मिल्क में लगभग 7% और जो बोवाइन मिल्क होता है काउ मिल्क में लगभग 5% तक लैक्टोज होता है। लैक्टोज सुक्रोज के कंपेरिजन मीठा कम होता है तो हमको दिखता नहीं, अगर दूध में 5% मीठा ऑलरेडी होता ही है लेकिन हम फिर भी शुगर डालते हैं क्योंकि हमको वो मीठा कम लगता है। लैक्टोज एक्चुअली इट इज लेस स्वीटर, उसकी स्वीटनेस इंटेंसिटी कम होती है, हमारे लिए स्वीटनेस इंटेंसिटी जो शुगर है चीनी है उसी की रहती है ज्यादा, तो उसी के हिसाब से हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर बात करें रिड्यूसिंग की तो हाँ ये रिड्यूसिंग है, सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग था लेकिन ये रिड्यूसिंग है। बेंडिक टेस्ट पॉजिटिव देता है और क्लियर ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट देगा, कलर फॉर्मेशन देगा, या फिर जो क्लाउडी रस्टी ब्राउन कलर फॉर्मेशन देगा। बीटा 14 लिंकेज इसमें द बॉन्ड इज द बीटा 14। और तो ये सब बातें आपको याद रखनी है कि कौन कौन से शुगर्स इसमें यूज हो रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बन रहा है और बेंडिक टेस्ट कैसा देता है, रिड्यूसिंग है कि नहीं है। अगर हमने ये चार चीज याद रख ली तो हमारा इसमें काम हो जाएगा। तो इस टाइप से दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड इन योर सिलेबस। तो तीसरे डाइसेक्राइड की तरफ चलते हैं जिसको बोलते हैं माल्टोज। अब भाई माल्टोज में दोनों शुगर ग्लूकोज ही होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों शुगर क्या होंगे ग्लूकोज ही होंगे, और उसके बीच में जो लिंकेज बनता है वो बनता है अल्फा 14 लिंकेज। दोनों शुगर्स ग्लूकोज हैं, उसके बीच में जो लिंक बनेगा वो अल्फा 14 लिंकेज बनेगा। ये भी रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि ये भी क्लियर लाइट ब्लू कलर दे देता है और क्लाउडी रस्टी ब्राउन कलर या देता है और बेंडिक्स टेस्ट में। और अगर हम एसिड की प्रेजेंस में इसको भी हीट करेंगे तो दो ग्लूकोज हमको दोबारा से मिल जाते हैं और दैट इज बोथ ऑफ देम दे आर द ग्लूकोज। तो मोनोमेरिक यूनिट इज ग्लूकोज, द अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इज द अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। माल्टोज जैसा मैंने आपको बताया था कि माल्ट बनता है, ग्रेन्स को स्प्राउट करते हैं और उसके बाद फिर उसकी उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और बहुत सारे जो विटामिन्स हैं उसकी सिंथेसिस होती है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है वो। तो इस प्रकार से जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, ड्रिंक्स हैं उसमें यूज़ होता है, या फिर जो फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं उसमें यूज़ होता है माल्ट। तो आपने देखा होगा अल्कोहलिक बेवरेजेस में माल्ट लिखा होता है कभी कभी, तो इस टाइप से अल्कोहलिक बेवरेज, इन्फेंट फूड्स, हेल्थ फूड्स में इसका प्रॉपर्टीज आती हैं, इसका यूज़ होता है माल्ट का। तो भाई अब जरा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि डाइसेक्राइड्स को कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा टेबलर फॉर्म में बताया, तीन डाइसेक्राइड्स हमने पढ़े, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो इसमें मोनोमर्स जो हैं बेसिकली सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज हैं, और अल्फा 1 और बीटा 2 बॉन्ड, इसमें अल्फा 1 और बीटा 2 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, बेंडिक टेस्ट में कलर नहीं देता है, केन शुगर इसका एग्जाम्पल है और बीवरेजेज और फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लैक्टोज में देखते हैं तो अल्फा डी लैक्टोज और बीटा डी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। तो इसमें ग्लूकोज तो अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म यूज हो सकते हैं लेकिन गैलेक्टोज में सिर्फ बीटा डी गैलेक्टोज ही यूज होगा। बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें आती है और ये डेफिनेटली रिड्यूसिंग शुगर है और बेंडिक टेस्ट भी देता है, लाइट ब्लू कलर देता है, और मिल्क शुगर है बेसिकली ग्लूकोज, सॉरी लैक्टोज, और डेयरी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, चॉकलेट में, कन्फेक्शनरी में, वहां पे भी यूज होता है। माल्टोज फिर दोबारा से एक तीसरा डाइसेक्राइड है जो कि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज सेम यूनिट है, अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, अल्फा 14 इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी कलर देता है बेंटिक टेस्ट में, और माल्ट शुगर है और अल्कोहलिक बेवरेज, इन्फेंट फूड और फूड सप्लीमेंट्स इस इंडस्ट्री में यूज होता है। तो कुल मिला के हमने मोनोसेक्राइड्स पढ़े और डाइसेक्राइड्स पढ़े, इनके जैसे जैसे मैंने समराइज करने का तरीका बताया और जो जो चीजें इसमें बताई है वो डेफिनेटली आप याद रखने की कोशिश करें, एग्जामिनेशन में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा समराइज करने की कोशिश करेंगे कि मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स में हमने क्या क्या पढ़ा। पॉलीसेक्राइड्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और आप भी थक चुके होंगे वीडियो देखते देखते। तो कंसेप्ट हमको याद रखने हैं कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मोनो, डाई और ऑलिगो और पॉलीसेक्राइड्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, पेंटोज और हेक्सोज शुगर है, यही इंपॉर्टेंट है सारे शुगर्स में, और इनके एग्जाम्पल्स भी आप याद रखने की कोशिश करें। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनको डेफिनेटली याद करें स्ट्रक्चर्स के साथ और केमिकल बॉन्ड्स के साथ क्योंकि इनमें से एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे क्वेश्चन, आप ये याद रख लो। याद जो रखना है वो जनरल फॉर्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये याद रखना है, मोनोमर्स कौन कौन से हैं, लिंकेजेस कौन कौन से बनते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है, ये अगर आपने इतना याद रख लिया तो आपका ये टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं है एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो तो लार्जली यही क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस किस चीज़ की करने की जरूरत है, केमिकल स्ट्रक्चर्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे हम सिक्वेंशली स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे अल्फा पोजिशन
पढ़ते हैं, कैसे बीटा पोजीशन पढ़ते हैं और कैसे लिंकेजेस को पढ़ते हैं, तो ये हम मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और लिंकेजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि अल्फा 1,4 होगा कि बीटा 1,4 होगा कि अल्फा 1 बीटा 2 होगा, क्या कौन सा लिंकेज होगा, इसको भी आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो अगर इतना भी कर लेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लिकेशंस में नहीं भी जाएंगे, तो भी आपका इसमें काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ जो ये डिटेल मैंने बताया है, तो जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहें वो डिटेल में पढ़ें, लेकिन जो स्ट्रक्चर से बहुत ही घबरा रहे हैं, वो जो लिमिटेड मैंने पिन पॉइंट करें, उनको डेफिनेटली उनके स्ट्रक्चर तो आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं इसके आने की संभावना होती है। तो दोस्तों, ये था आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक था। तीसरे टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। इसके बाद एक और वीडियो आएगा थर्ड टॉपिक पे ही, कार्बोहाइड्रेट पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की, और फिर स्टार्च के कौन से रिएक्शंस होते हैं, रेट्रोग्रेडेशन क्या होता है, जिल्टनाइजेशन क्या होता है, स्टार्च की प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे, वो डिटेल्ड टॉपिक्स उसमें हैं। और जो हमारे दूसरे सोलबल सेक्राइड्स हैं, पेक्टिन्स हैं, गम्स हैं, इन पे भी चर्चा करेंगे और सेलुलोज की भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो था, उसमें जो हमने मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स को डिस्कस किया, उसको ब्रशअप किया, तो उसमें आप उसको रिवाइज कीजिए, और इससे संबंधित अगर कोई क्वेरीज आती हैं तो वो डेफिनेटली आप अपने कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए, और नए नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और भी नए वीडियोज के साथ मैं बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।